बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। बर्तन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमने स्टैंड रख लिया है। ना हाथ में सरसों का तेल ले रही हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गया है। हम इसको पूरा से और इसको भी तेल से पूरा यार मैं एक चीज तो भूल ही गई, लहसुन मेरे को उसमें कट करके लगाना था। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। इसमें ना छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, मतलब छोटे भी नहीं, थोड़े लंबे लंबे ऐसे ही रैंडम दी। ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम डाल देंगे। अब इसमें लहसुन डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे करके हम लोग अंदर डाल देंगे। इसमें थोड़ा इसमें डाल दिया, अब उसमें डालेंगे ऐसे ही और कर देंगे। पीछे ये डाल दी मिर्ची और यहाँ रख देंगे हम थोड़ा टमाटर, दो टमाटर रख देते हैं। बीच बीच में इसको ना पलटते रहना है। हम आपको कभी गाँव में भी जाके बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से दिखाएंगे लिट्टी चोखा, चूल्हे पे काम करते हुए दिखाएंगे। आता नहीं है मुझे। अब लिट्टी के मिक्सचर के लिए हम लोग सत्तू डाल लेंगे। जितनी आपको लिट्टी बनानी है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब हम प्याज डाल लेंगे। अब हम लहसुन और अदरक डालेंगे, छोटा छोटा बारीक काट लिया है। अब छोटी छोटी बारीक काट लीजिए मिर्च को। अब धनिया डाल देंगे बारीक काट के। बीच बीच में आप बैंगन का भी ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा ओवर भी हीट ना हो जाए। इसी अजवाइन मसल के डालेंगे। अब हम मिर्च का अचार डाल देंगे, ये घर का बना हुआ मिर्च का अचार है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें नींबू का रस डालकर मिक्स करेंगे। बैंगन हो गए हैं तो मैं बैंगन निकाल लूंगी। ये देखिए टमाटर भी हो गया, वो भी निकाल लूंगी। इसको मुझे लगता है थोड़ी कसर है अभी, तो मैं इसको, चलिए ये भी हो गया है, अब इसको भी रख लेंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको इसकी लेयर निकालेंगे। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। ऐसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फ्लेवर सारी जगह आ जाए। मैं सरसों का तेल डालना भूल गई थी, तो ललित मेरी हेल्प कर रहे हैं। और डालो अब सीधा गूंद, वो पूरा मिक्स हो जाए। हल्का सा पानी भी डाल रहे हैं हम लोग। बहुत कम डाल है। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। ये जब ऐसी कंसिस्टेंसी भी आ जाए ना, तो मतलब बन गया है। सारी लेयर्स निकाल लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा गर्म है। निकल ही नहीं रहा है वो गर्म हुआ। बैंगन ये मेरा दाल बाटी। अब हम चोखे को इसमें डालेंगे, ये सारे मिक्सचर को पहले इसमें डालेंगे, फिर प्याज वगैरह डालेंगे। कर देती हूँ मैं ऐसा ताकि इजी रहे। पहले हम प्याज डाल लेंगे, ठीक है। प्याज और मिर्च डाल दिया हमने, और आधा मैंने आलू लिया है, इसको मैश करके डाल देंगे। ये बॉइल्ड आलू है। अब
इसमें हम थोड़ा सा सरसों तेल डाल देंगे। अब सॉल्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे अपने हिसाब से। चोखा बनके रेडी हो गया है। धनिया पत्ती डाल दी इसके ऊपर। ये हमारा आटा गूंद के रेडी है। नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं रोटी का, वैसा ही है ये। हमने कढ़ाई, अब हम तेल डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए। सरसों का तेल है ये। गैस को ऑन कर देते हैं ताकि जब तक हम लिट्टी बनाएंगे उसको प्रिपेयर करेंगे तब तक ये थोड़ा सड़ जाएगा। मैंने हंस रहा है कि क्या सड़ जाए, तेल कैसे सड़ सकता है। हम पंजाबी में ऐसे ही बोल देते हैं, ज़्यादा मतलब गर्म करना है, ज़्यादा गर्म करने के लिए थोड़ा उसे होने देते हैं। इसी लोई लेंगे, बढ़िया ना। हम थोड़ा डीप करेंगे नीचे बीच बीच में से। तो अब मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको लिट्टी, क्योंकि रवीना ने एक तरीके से बनाई है पर मुझे अपने तरीके से बनानी है, क्योंकि मेरे को मोमोज भरने में मजा आता है, इसलिए मैंने लिट्टी बोला कि लिट्टी भी मैं अंदर से भरता हूँ। तो यहाँ पर हम एक बिल्कुल कटोरी टाइप का बना लेंगे और इसमें हम अपनी फिलिंग डालेंगे। और ये हम फ्राइड लिट्टी बना रहे हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं पहले से ही, मतलब इसको थोड़ा हम पूड़ी की शेप में बनाएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा हम साइड साइड से चौड़ा करेंगे और चारों तरफ से इसको लॉक करेंगे। चारों तरफ से लॉक कर रहे हैं, चाहे कैसे भी करो आप, बनाना तो इसको गोली है, इसको हम चारों तरफ से लॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉक। ये मोमोज दिख रहा है पर ये मोमोज है नहीं। अब यहाँ पर ये बन जाएगी लिट्टी। ये देखिए आपके मोमोज थे, अब ये लिट्टी हो गई। इसको हम ऐसा वैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना इसको क्रंची बनाना है और ये फ्राइड होगी ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो अगर गोल गोल बनाते हैं तो वो भी बहुत आसान है, पर इसमें फ्राइड कर रहे हैं तो ये ऐसा इजी रहता है और अच्छी क्रंची बनती है। ये ललित की, ये मेरी है। तो अभी तेल गर्म हो गया, हम अपनी जो फ्राइड हमने लिट्टी करी थी, तो मतलब जो हमने करी थी उसको हम डाल लेते हैं तेल के अंदर। सेम जैसा पूड़ी को तलते हैं वैसे ही तलेंगे, कुछ अलग नहीं है, बस इसको ऐसी। अभी हमारी करारी एकदम लिट्टी बन जाएंगी देखते ही देखते। फ्राइड लिट्टी बनाते हैं तो इस तरीके से सही रखती है, क्योंकि इसमें लंबाई हो जाती है तो क्रंची काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी करारी लिट्टियाँ बनके हो गई हैं तैयार। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारी लिट्टियाँ बनाते हैं। ये देखिए हमने लिट्टी बना ली है कुछ ढेर सारी। चलिए अब इसको सबको तलते हैं। चलो अब बोल दीजिए ना, करो वीडियो कर रही हूँ। तो अभी हम सारी एक एक करके लिट्टियाँ डाल रहे हैं तेल में और इनको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एक एक करके सारी लिट्टियाँ पकती जा रही हैं और हम सबको पलटते पलटते हमारी सारी लिट्टियाँ देखिए कितनी मस्त हो गई हैं। तब सबको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं सर्व करके। अब हमारा लिट्टी भी बन के तैयार है, चोखा भी बन के तैयार है, सर्व करते हैं। चलिए इसको सर्व करते हैं। थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। हम थोड़ा सा सत्तू डाल लेंगे हम यहाँ पे। ना सत्तू का मिक्सचर बच गया है तो मैं सोच रही हूँ, मैं बताता हूँ ना कि क्या करना है। सत्तू अगर आपका बच जाए तो नेक्स्ट डे उसका बना लीजिए पराठा। यही बोलने वाली थी। ये हो गई हमारी प्लेट तैयार।
थोड़ा पापड़ डाल देंगे। और ये हो गई मेरी प्लेट तैयार। आप में से जिस जिसको खाना है तो आ जाओ। ये